ओम श्री गणेशाय नमः। माय पाइसीज फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं एक जॉब करियर बिजनेस रिगार्डिंग रीडिंग, जिसमें हम अक्टूबर मंथ में आपका कैसा रहेगा वो देखने जा रहे हैं। जो आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा, बाकी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, और एनर्जी क्लेम करिएगा अगर आपको लगता है कि ये आपकी सिचुएशन से मैच कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या निकला है आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपने अब तक बहुत मेहनत करी है इस जॉब बिजनेस करियर में, और मैं आपको बताऊं कि आगे भी आपको ऐसे ही मेहनत करते जाना है। अगर आपको अभी लग रहा ना कि मैं यहाँ से छोड़ दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, और इस तरीके से ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिल रहा, मेरा हक क्यों मारा जा रहा है, तो ये एक टेम्प्ररी फेज़ है। अक्टूबर में आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है। आप जिस तरह से अब तक सितंबर तक मेहनत कर रहे थे, वही जील को कंटिन्यू रखिए। अपने आप को बदलिए मत, ठीक है, अपनी सिचुएशन में मतलब वो मत हो जाइए, कहते हैं ना रिबेल टाइप बिहेव मत करिए, करते जाइए। ये मत सोचिए कि मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, मैं तो यहाँ से निकलूँ पतली गली से, मैं तो दूसरी कंपनी में चला जाता हूँ, या मैं तो अपना बिजनेस पार्टनर ही चेंज कर देता हूँ, ये तो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, एकदम ही विड्रॉल मोड में कि छोड़ दिया सब कुछ भगवान पे या दुनिया पे, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, वो वाली चीज़ें मत करिए। कुछ नहीं मिलेगा इन चीज़ों को करने से आपको, ठीक है। बहुत मेहनत करी है आपने, आगे भी आप मुझे मेहनत करते ही नज़र आ रहे हैं, और डिवाइन आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देने वाला है, ठीक है। चाहे वो छोटी है बड़ी है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ आ रहा है आपकी तरफ। हो सकता है कोई प्रमोशन हो, कोई ऐसी मूवमेंट हो कुछ, ठीक है, किसी तरह की। तो गुड न्यूज़ इज़ कमिंग योर वे, तो आपने पॉजिटिव रहना है अक्टूबर में। डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी, आस्क योर एंजल्स, कम्युनिकेट क्लियरली एंड अबंडेंस। देखा, तो अपनी बातों को बिल्कुल सीधी तरह लोगों को कहो, उन्हें समझाओ कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या है। अबंडेंस आ रही है आने वाले टाइम में, छोड़ के मत निकलो, चीज़ों को छोड़ो मत, आगे बढ़ो। और अगर आपको कहीं लगता है ना कि कोई आपको समझा सकता है या कोई चीज़ें बता सकता है, कोई रास्ता, भगवान के आगे हाथ जोड़ के उनसे कहो कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच।